हे गाइस, वेलकम है आपका मेरे चैनल अपर्णा ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर यानी कि रियल नंबर की सेकेंड एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन, जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स में गिवन है। अगर हम लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से दिए गए नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम डिटरमाइन करते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपको कोई कंपोजिट नंबर गिवन है और आपसे प्राइम फैक्टर पूछ रहा है तो कैसे हम प्राइम फैक्टर करते हैं, कैसे हम किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। और मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बताया था जो एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड थी। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी जो ना केवल आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा ताकि आप लोगों को आगे भी ये सारी ट्रिक्स, ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कॉन्सेप्ट हैं, ये हेल्पफुल हो। अब बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज की, अपनी एक्सरसाइज 1.2 के पहले क्वेश्चन की। देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसका मतलब क्या है, हमें कुछ कंपोजिट नंबर्स गिवन हैं और हमसे पूछ रहा है कि इन्हें हमें किसके फॉर्म में एक्सप्रेस करने हैं। हमें इन्हें प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है या प्राइम फैक्टर की पावर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। यहाँ प्राइम फैक्टर की बात हुई है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो कंपोजिट नंबर गिवन है इनके हम प्राइम फैक्टर करेंगे। तो देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 140। हमें करना क्या है, ये कंपोजिट नंबर है, इसके हमें प्राइम फैक्टर करने हैं और प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में इसे एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 140 के प्राइम फैक्टर करेंगे। देखते हैं क्या होंगे प्राइम फैक्टर। हमें पता है कि 140 एक इवन नंबर है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटे प्राइम नंबर से इसे डिवाइड करेंगे। हमें पता है सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स जाएगा, 70 हो जाएगा। 70 जो है वो अभी भी हमारा क्या है, एक इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 35। 35 क्या है, एक ऑड नंबर है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तब भी ये डिवाइड नहीं होगा। फिर उसके बाद हम 5 से डिवाइड करेंगे, 7 टाइम्स जाएगा। अब हमारे पास आ गया 7। अब हम जानते हैं कि 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर हमेशा सिर्फ 1 से डिविजिबल होता है और इटसेल्फ से डिविजिबल होता है। तो 7 किससे डिवाइड होगा, 7 सिर्फ 7 से ही डिवाइड होगा और यहाँ हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हमारे पास प्राइम फैक्टर क्या क्या मिल गए, प्राइम फैक्टर हमें मिल गया 2 × 2 × 5 × 7। तो हम इसे इस प्रोडक्ट के फॉर्म में मेंशन करेंगे, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में मेंशन करेंगे 140 को। तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 × 2 × 5 × 7। एक बात ऑब्जर्व करना, यहाँ जो 2 है, जो प्राइम नंबर 2 है वो 2 टाइम्स यूज़ हुआ है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। क्यों, क्योंकि ये 2 बार यूज़ हुआ है इसलिए हमने इसकी पावर 2 कर दी, × 5 × 7। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया, एक कंपोजिट नंबर दिया हुआ था, हमसे पूछा था कि उसे प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हमने सबसे पहले उस नंबर के, उस कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर किए। कैसे किए, उस कंपोजिट नंबर को सबसे पहले हमने छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड किया, देन उसके बाद हमने उससे बड़े प्राइम नंबर से डिवाइड किया। जब पूरा कैंसिल हो गया तो हमें प्राइम नंबर्स मिल जाते हैं, मीन्स प्राइम फैक्टर मिल जाते हैं और हम इन्हें प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। अब देखते हैं कि हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सेकेंड है हमारा 156। अब हमें क्या करना है, इसे भी प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हम क्या करेंगे, 156 के प्राइम फैक्टर करेंगे। 156 को हम सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे जो कि हमारा 2 है। 2 से डिवाइड करेंगे, 7 टाइम्स जाएगा और 1 कैरी हो जाएगा तो ये 8 टाइम्स हो जाएगा। अभी भी ये क्या है, इवन नंबर से, तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा और ये 9 हो जाएगा। 2 के बाद क्या आता है, 2 के बाद हमारा प्राइम नंबर आता है 3। 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा और ये 3 टाइम्स जाएगा। हमें पता है कि 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है इसलिए ये 13 से ही डिविजिबल होगा, तो इसे हम 13 से डिविजिबल कर देंगे। और 156 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 13। हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिए थे और हमने क्या किया, प्राइम फैक्टर को प्रोडक्ट के फॉर्म में, मीन्स प्राइम फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में इस नंबर को एक्सप्रेस कर दिया।
यहाँ भी एक बात ऑब्जर्व करना, यहाँ भी क्या है, टू दो बार यूज़ हुआ है, दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2। क्यों? क्योंकि दो हमारा दो टाइम्स यूज हुआ है, जो 2 है वो 2 टाइम्स यूज हो रहा है, इसलिए हमने उसकी पावर 2 कर दी, इंटू 3 इंटू 13, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3825 मीन्स 3825। एक क्या है ये, एक कंपोजिट नंबर है जिसे हमें प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम इसे। क्या था हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन था हमारा 3825 जिसे हमें प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3825 के प्राइम फैक्टर करेंगे। देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर आपको ये नहीं पता है कि कोई भी नंबर कब 3 से डिविजिबल होगा, कब 5 से डिविजिबल होगा, कब 2 से डिविजिबल होगा, कब 8 से डिविजिबल होगा, मीन्स अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे आप किसी भी नंबर को देख के बता सकते हैं कि वो 3 से डिविजिबल है या 5 से डिविजिबल है या 7 से डिविजिबल है, 8, 9, 11, 10। तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि उस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी क्वेश्चन को देखकर, किसी भी नंबर को देखकर बता सकते हैं कि वो नंबर किस किस नंबर से डिविजिबल है और किन किन नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो सबसे पहले आप डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लीजिए क्योंकि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी इस चैप्टर में। इसके हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं। तो हम पहले चेक करते हैं कि क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो देखते हैं 7 हो जाएगा, 7, 8 हो जाएगा, 15, 15, 3, 18, ये 3 से डिविजिबल है। 1 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा और ये 7 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अभी भी ये 3 से डिविजिबल है। फिर से हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 425। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है तो 5 से डिविजिबल करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 45 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 एकम 5 हो जाएगा और 17 85 होता है। और 17 एक प्राइम नंबर है तो 17 से ही डिविजिबल होगा तो ये 1 आ जाएगा। तो 3825 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 7। यहाँ क्या हुआ, 3 भी हमारा 2 टाइम्स यूज हो रहा है, 5 भी हमारा 2 टाइम्स यूज हो रहा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 2 टाइम्स यूज हो रहा है तो 3 की पावर 2 लिख दी हमने, 5 भी हमारा 2 टाइम्स यूज हो रहा है तो हमने 5 की पावर 2 लिख दी × 17, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5005। अब इसके हमें प्राइम फैक्टर करने हैं। तो क्या था, 4 था हमारा 5005 जिसके हमें प्राइम फैक्टर करने हैं। तो सबसे पहले हम 5005 के प्राइम फैक्टर करेंगे। हमें पता है कि ये जो नंबर है ये 5 से डिविजिबल है तो 5 से डिवाइड करेंगे 1001। उसके बाद हम 11 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 9 टाइम्स जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा तो 11 हो जाएगा। अब ये किस से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है, 7 टाइम्स जाएगा और 7 क्या एक प्राइम नंबर है जो खुद से ही डिवाइड होगा। तो 5005 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 × 11 × 13 × 7। यहाँ कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है इसलिए यहाँ प्राइम फैक्टर की कोई भी पावर नहीं होगी। यहाँ हम सिर्फ सिंपली 5 × 11 × 13 × 7 मेंशन करेंगे, यही हमारा हो जाएगा प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट फॉर्म जो हमें इस क्वेश्चन, जो हमें इस नंबर के एक्सप्रेस करने थे, मीन्स हमें इस, हमने इस नंबर को क्या किया, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, यही हमें करना था, यही हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 7429। इसको भी हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में मेंशन करना है। क्या है हमारा क्वेश्चन, 7429। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा 7429, इसके भी हम फैक्टर करेंगे 7429। देखते हैं ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। 9 2 11 16 11 11 और 11 11 22 होता है, ये हमारा 7 से डिविजिबल नहीं है। और उसके बाद ये 9 से भी डिविजिबल नहीं है, 7 से 46 और ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है, 8 से तो हो ही नहीं सकता, 9 से भी नहीं है, 11 से 7 2 9 9 4 13
11 से भी डिविजिबल नहीं है 13 से, तो 74 दो तेरह कम 13 7429 हमारा 13 से भी डिविजिबल नहीं है। अब हम चेक करते हैं कि ये 17 से डिविजिबल है या नहीं है। 17 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63-68 हो जाएगा और हमारा 6 नीचे आ जाएगा। और उसके बाद हम 2 जब ऊपर से पुट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 70-51 आ जाएगा और देन उसके बाद आ जाएगा 17-17-119। 17 से डिविजिबल था। अब उसके बाद हम 19 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसे 19 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 19-2-38 और उसके बाद 5 रिमाइंडर आ जाएगा 7-3-57। 19 से डिविजिबल हो गया। अब 23 क्या है, 23 एक प्राइम नंबर है, ये सिर्फ 23 से ही डिविजिबल होगा। तो 23 डिवाइड किससे हो जाएगा, 23 से। अब हम 7429 को क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 17 × 19 × 23। ये हमारे हो जाएंगे क्या, प्राइम फैक्टर। हमने क्या किया, कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। यही हमें करना था, यही हमारा क्वेश्चन था कि हमें करना क्या था, ये जो कंपोजिट नंबर्स गिवन थे इन्हें प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में मेंशन करना था, जो हमने कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर करते हैं और हम कैसे उसे प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करते थे। ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड क्वेश्चन, यानी कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ विद द हेल्प ऑफ फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ आप लोग इस जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ हमेशा प्रैक्टिस से ही आती है। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ सीखना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, बहुत हार्ड हो जाएगा। तो प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको मैथ अच्छे से आने लगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जितना भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम प्राइम फैक्टर करते हैं किसी भी नंबर्स के। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।